हेलो निशा, प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग. मुस्कान, गुड मॉर्निंग. जय हिंद. अक्कू, हाय, हाउ इज यू ऑल? हेलो आकांक्षा, टेन स्टूडेंट्स हो जाए ना, देन आप मेरे को बोल देना, मैम स्टार्ट करो, देन मैं स्टार्ट कर दूँगी. ठीक है, हो गए? गुड गुड, आई एम ऑल्सो गुड. हेलो ममता, नाउ स्टार्ट. गुड मॉर्निंग आस्था, कोमल, गुड मॉर्निंग. हो गए? ठीक है. आज का टॉपिक क्या है? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. ठीक है, इस क्वेश्चंस में क्या आता है? निराला, गुड मॉर्निंग. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है? तीन ऑप्शन राइट होते हैं, एक ऑप्शन जो होता है वो गलत होता है. ठीक है, और वो गलत नहीं होता है, वो भी अपनी जगह सही होता है. जैसे आपको फ्रूट्स के नेम दे दिए, ठीक है, तो फ्रूट्स के नेम में क्या होता है कि जैसे किसी का, जैसे अपन बोलते हैं ना, बनाना को अपन कैसे खाएंगे? बनाना को अपन वो छील के, उसका कवर हटा के. ऑरेंज का भी सेम होता है ना. और जैसे आपको एप्पल या फिर ऐसी चीज़ मिल जाती है या ग्रेप्स मिल जाता है, तो आप उसको कैसे करोगे, है ना? तो ऐसे तीन ऑप्शन राइट होते हैं और एक ऑप्शन गलत होता है. ठीक है, तो समझ में आ गया. सिमिलरिटीज़ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. इसमें क्या है कि आप बताओ, जूलॉजी, बॉटनी, एंथोलॉजी और लोबोटोमी. ऑप्शन डी. श्योर हो? क्यों है ये भी बताओ. क्यों है लोबोटॉमी? क्यों है? आप लोग बोल रहे हो लोबोटॉमी है मैम, तो लोबोटॉमी क्यों है भाई? जूलॉजी क्यों नहीं है या एंटोमोलॉजी क्यों नहीं है? आकांक्षा, प्रज्ञा, आस्था, कोमल, अक्कू, डी. क्यों है डी? ओके, और लोबोटोमी, और जो लोबोटोमी है वो किसकी ब्रांच है? नातिया. हाँ ठीक है, अब ये बताओ लोबोटोमी जी क्या है? ओके अक्कू, गुड. चलो, इन तीनों का तो पता चल गया है ना. अब ये कौन सी स्टडी है? इस स्टडी का नाम भी तो होना चाहिए ना, कि इसीलिए यहाँ पे शो किया है कि ये कोई स्टडी है. तो लोबोटॉमी कौन सी स्टडी है? एनी आइडिया? नहीं तो मैं बताऊँ. है किसी को आइडिया? छोटू सा भी, छोटू सा भी आइडिया हो तो बताओ. नहीं पता. लोबोटॉमी क्या होता है? जहाँ पे अपन सर्जिकल करते हैं ना, जैसे किसी को ऑपरेशन करना हो, तो ये क्या होती है? हाँ, ये है सर्जिकल प्रोसीजर. ठीक है, जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो. निशा आर्ट की. भूमिका, हाय, क्लियर वन? हाँ जी अक्कू, गुड. ट्रीटमेंट के लिए काम आता है. ठीक है, हाँ जी सर जी, आगे चले. गुड मॉर्निंग भूमिका. नाउ नेक्स्ट बताओ. ग्रीडी, एवरिशियस, डिसिप्टफुल, ल्यूस्टफुल. गुड मॉर्निंग इति. अब बताओ. आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन राइट है? निशा फर्स्ट, आर यू श्योर?
आर यू श्योर निशा? आस्था ए भूमिका फोर। मैम आप बीमार हो, वॉइस लो है आपकी, नथिंग मच। मेरा काफ़ी टाइम से इंटरनली पेन हो रहा था तो इसीलिए कल क्लास नहीं ले पाई, और बट आज तो लेनी थी। यूजफुल आकांक्षा बी, तिया बी क्यों होगा? ये तीनों क्या है? ये तीनों वो है जिनके पास में ये एक दूसरे के सीनो नेम्स है, ठीक है? ये क्या है, एक दूसरे के सीनो? वॉइस प्रॉपर है ना, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती इसीलिए पूछ रही हूँ। वॉइस प्रॉपर है? हाँ इति, अब तो यही होगा ना, ल्यूस्टफुल। ओके, ये तीनों एक दूसरे के सीनो नेम्स है और ये एक अलग है, ठीक है? दैट्स व्हाई ल्यूस्टफुल इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका मीनिंग क्या आता है? गुड मॉर्निंग पायल। ग्रीडी, एवेरिशियस और सॉरी ल्यूस्टफुल, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम से, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। और डिसिटफुल का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। क्या होता है? डिसऑनेस्ट। इट्स ओके पायल। माधुरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये तीनों तो क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट डिसिटफुल जो है वो डिसऑनेस्ट मतलब होता है उसका, ठीक है? तो आंसर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। हेलो अमित, नीतू, अमित गुड मॉर्निंग। आगे चले तो आंसर डिसिक्टफुल हो जाएगा। ओके अच्छा चलो ये बताओ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इमैनुअल, क्या नाम है, इमैनुअल मार्कोन, व्लादिमीर पुतिन, कैसे कैसे नाम रखते हैं यार इनके पेरेंट्स, एंड नरेंद्र मोदी, कौन सा आंसर सही है? क्यों भाई, नरेंद्र मोदी जी की होगा आइडिया? नरेंद्र मोदी, अंजलि मोदी जी, भूमिका भी डी है। क्यों डी क्यों होगा, सी क्यों नहीं होगा? ये इंडिया के हैं क्या? है प्रज्ञा इंडिया के? वो सब साइंटिस्ट हैं, किसने का आस्था? ये सब साइंटिस्ट नहीं है ना माधुरी? अरे वाह, क्या क्या लॉजिक लगाते हो तुम लोग, देखो भाई। ना आपको ये सब ऑथर नहीं है, जो बुश है वो है यूएस के प्रेसिडेंट। कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट। सब प्रेसिडेंट है बट ये यूएस के प्रेसिडेंट है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है? फिर जो मार्कोन है ये है रशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है? ये याद रखना बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ नरेंद्र मोदी इंडिया के हैं, और फ्रांस के कौन है? पुतिन, ठीक है? अरे मुस्तिया देखो, रमजिम देखो भाई, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, फोर्थ है, ये चारों प्रेसिडेंट है। बट देखो यूएस वगैरह क्या हो जाता है कि आउट ऑफ इंडिया हो जाता है ना, आउट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। बुश यूएस के प्रेसिडेंट है,
मार कौन रशिया के प्रेसिडेंट है और फ्रांस के कौन है पुटिन। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, इंडिया से बाहर हुआ ना, तो ये तीनों अलग हो गए। देन नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, इसीलिए यहाँ पे इंडिया नरेंद्र मोदी आंसर हो जाएंगे। हाँ ये सब प्रेसिडेंट है, ये सब प्रेसिडेंट है। ठीक है, बट ये क्या है, पीएम है। ओके ये तीनों तो प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया। हाँ सही हुआ आज तक, गुड। कि कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, बुश कहाँ का प्रेसिडेंट है, यूएस के, और मार्कोन रशिया के, और पुटिन फ्रांस के। हाँ सब प्रेसिडेंट हैं, बाकी पीएम मोदी है। ठीक है, ओके निराला, गुड। इजी है ना क्वेश्चंस। नाउ मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। बनाना, ग्रैप, ऑरेंज, पॉमन ग्रेट, बताओ आंसर। बताओ अच्छे से। ये मैंने इसका फर्स्ट फर्स्ट में आंसर क्वेश्चन बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी निराला, यूएस, फ्रांस, रशिया के प्रेसिडेंट है वो, सेकंड। अच्छा ये बताओ आप ग्रैप्स के क्यों होंगे। आह दिया, गुड। ग्रैप्स के क्यों होंगे, इति, माधुरी, रिमझिम, भूमिका, कोमल, पायल, ऑरेंज, खास लिए। अरे आज तो अलग ही है, पॉमन ग्रेंट, वाह। मैं बता दूं अब आंसर, या आप लोग सोचोगे अभी तक कि मैम हम थोड़ा सोच रहे हैं। हाँ जी अक्कू, गुड। समझे तुम लोग कहाँ लेके आ रहे हो बनाना और को। हाँ नहीं आस्था, देखो भाई ग्रैप्स में भी सीड होते हैं, पोमन ग्रेन में भी सीड होते हैं, ठीक है, और ऑरेंज में भी सीड होते हैं, इसलिए तुमने बनाना बोल दिया। गुड, नहीं भाई ये लॉजिक ना लगाओ। ठीक है, बनाना का अपन पील्ड निकाल के फिर खाते हैं, ऑरेंज की भी पील्ड होती है उसके बाद में अपन उसको खाते हैं, ठीक है, और पॉमन ग्रेट का भी क्या है, अपन उसको छील के खाएंगे, लाइक अपन की हिंदी में बोलते हैं ना छील के खाना, पील्ड का मतलब क्या होता है, छीलना, और इन सबको अपन छील के खाते हैं। बनाना एक ऐसा ही है जिसमें सीड नहीं होता, बाकी सब में तो सीड होता है, बट यहाँ पे क्या है कि भाई तीनों के पील्ड है, ठीक है। अरे भाई निराला देखो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, बनाना का ऊपर का वो होता है जिसको अपन छील के खाएंगे, ठीक है, ऑरेंज को भी आप छील के खाओगे, ऐसे तो खा नहीं सकते, पॉमन ग्रीन को भी कैसे खाओगे। बनाना में सीड होते हैं बट वो इतने नहीं होते जितने आप ऑरेंज, ग्रेप्स और पॉमन ग्रीन में कह रहे हो, है ना, बट वो सीडलेस होता है, सीड नहीं होते उसमें, वो अपने आप ऐसे ही आ जाते हैं, बनाना ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाय स्नोबर, समझ गए निराला, आप समझ। तो आगे चलूं, कहाँ क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया, देखो लॉजिक लगाओ ना भाई। एप्पल सॉरी ग्रेप्स को आप पील्ड करके खा सकते हो, इसको कुछ छील के खा सकते हो, नहीं खा सकते ना, तो इसलिए इसका ग्रेप्स हो जाएगा, बाकी तीनों को आप छील के खाओगे, है ना। आगे चले, ओके ये थोड़ा क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इट्स ओके स्नोबर। अब ये बताओ, 12:48, 13:52, 14:58 एंड 15:30, अरे वाह।
अरे 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 अरे, ऑरेंज खट्टा होता है, ग्रेप्स भी तो खट्टे होते हैं। सी कैसे लाए लॉजिक? 14:58 कैसे आया? मेरे को आगे भी बताना पड़ता है। निशा, कोमल, भूमिका, आकांक्षा, बताओ। इतनी सी कैसे होगा? आस्था भी सी है कैसे? 14 × 4 = 56। क्या क्या लॉजिक लाते हो तुम लोग? अच्छा, 1:4 आएगा। ओके हाँ भाई, क्या होगा? सी कंफर्म है। ओके बाकी सब 4 से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, देख 48 को 12 से डिवाइड करना। देखो अक्कू, देखो 48 है ना, कहाँ है ये रहा? 48 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 आएगा है ना। वहीं पे आप 13 को 52 से डिवाइड करो, सॉरी हाँ 52 को 13 से डिवाइड करो। आशा, अगर ये नहीं समझोगे ना तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही प्रॉब्लम आएगी ना एग्ज़ाम में, और मेरे को तो सारा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, 13 को आप 52 से करोगे तो 13 फोर्जा कितना आता है? 52 होगा। ठीक है, 13 फोर्जा 52। 15 को 16 से करो, 60 से, तो अभी 4 आएगा। वैसे ही आप 14 को 58 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 > 4 हो जाएगा, 4 से है ना। क्यों, समझ में आ गया? इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्नोवा, मेरी वॉइस आज थोड़ी ऐसी आएगी, सॉरी। आगे समझ में? ओके नेक्स्ट। सिक्सटी फोर, 125, 1 और 2, आंसर क्या आएगा बताओ? आराम से, अपन को देखो कोई जल्दी नहीं है, बस गलत मत करना। और कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना। अरे सी कहाँ से लाए भाई? इत्ती सॉरी तिया 64। हाउ आकांक्षा सी कैसे? भूमिका भी सी। माधुरी डिलीट क्यों कर दिया? अब भी आ गया, वेरी गुड। ढंग से देखो, थोड़ी मैथ्स को अच्छा करो। 125 निशा 2 होगा पक्का? श्योर? ठीक है चलो आज निशा के साथ चलते हैं। अरे 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 रुको रुको, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा? जो फर्स्ट 3 नंबर दिख रहे ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं, बट 2 किसी का क्यूब नहीं होता है ना भाई। 64 का क्यूब क्या होगा? ठीक है, 125 का क्यूब होता है, 64 का क्यूब होता है, और 1 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करो 1 होगा है ना। अरे बी बी नहीं होगा, डी होगा। सब एक दूसरे के क्यूब है ना। देखो 5 का क्यूब क्या आता है? ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, 1 का कोई क्यूब नहीं होता है ना। और 2 का क्यों क्यूब होगा बताओ? 2 का कोई क्यूब होता है क्या? नहीं होता ना, आया समझ में? इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, 4। ठीक है,
आगे चले। हाँ जी, रेम जिम रिज्वाइन कर लो। एक, अरे 1 का नहीं होता, बट 1 से आप किसी को भी डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा आकांक्षा? 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा ना। लाएगा 1 को 1 से करो, फिर 1 को 3 से करो तो 3 का क्या होगा? 3 आएगा। वो नहीं हो सकता। 1 का क्यूब करके देखो तो, 1 × 1 × 1 करके देखो, 1 आएगा। और वही 5 × 5 × 5 करके देखो, 125 होगा, है ना। और उसको करो 4 × 4 × 4, तब क्या आएगा? 64। ये 122 लिया है। अच्छा, इसका आंसर बता रहे हो। अब 122 कैसे होगा बताओ। दिया 5, 12, 27, एक ने बोला, सब बोल रहे, कैसे? इसीलिए मैं पूछती हूँ कैसे, ताकि आप लोगों को बता सको। चलो आंसर देख लिया था। अच्छा देखो, ये कैसे आएगा 122? मैंने खुद ने बता दिया, आपने भी देखा। ओके कोई बात नहीं। इसका आंसर कैसे आएगा 122 देखते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से और उसमें प्लस 2 कर दो, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? 12। अरे 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12। ओके ओके, इसलिए मैं बता रही हूँ, अब इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करो 2 से, उसमें प्लस 3 करो तो क्या आएगा? 27। अगेन 27 को मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस करो 4 से तो क्या आ जाएगा? 58। 58 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस करो 122 से, सॉरी प्लस करो 5, ठीक है, तो आ जाएगा 122। अगेन 122 को मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस करो 6 तो 248। 248 को आप प्लस मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस करो 7, यानी आप क्या देख रहे हो? क्या मिल रहा दिख रहा है आपको? कि ये जो चीज़ है ना, ये इंक्रीज हो रही है ना, और बाकी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। दैट्स वाई आपका आंसर क्या आ जाएगा? 122, ठीक है? आया समझ में? समझ गए? गुड। नेक्स्ट चलो, ये बताओ, इसका आंसर नहीं दिखा रही मैं, चलो। और ये सबको आना चाहिए, ROQ। हाँ, 58 × 2 + 5 हो जाएगा, इसीलिए आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है? अब बताओ इसका आंसर। ये तो सिंपल है बहुत। थ्री ऑप्शन, बस इतने ही। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। एस क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ओ क्या है? वॉवल है। दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे चलो। हाँ जी, की इति। ओ चलो, ये बताओ, CFGEJOFLRGNU। हाँ, मुस्कान। ओ बताओ इसका आंसर।
श्योर हो? क्यों आएगा? देवलोक मिश्रा, मिश्रा जी 3 कैसे भाई? CFG आएगा ना मिश्रा जी, CFG आएगा, ठीक है? क्यों आएगा मैं बताती हूँ। आप इन तीनों को देखो पहले, ठीक है? ये सॉरी, हाँ इन तीनों का बताती हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है? EJO जो है वो आप मल्टीप्लाई 5 करते हो, है ना? क्या करते हो? मल्टीप्लाई 5, ठीक है? यानी ई कौन से नंबर पे आ गया? ई कौन से नंबर पे आता है? 5 पे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 5 × 2 तो जे आ जाएगा। यानी ई के बाद में 5 और लिखोगे तब क्या हो जाएगा? जे आएगा, FGHI और जे, ठीक है? देन जे के बाद 5 और काउंट करोगे तो कितना आएगा? ओ, ठीक है? क्लियर? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। चैट ऑफ कर दूँ? ठीक है, समझा रही हूँ, तब तक ही करूँगी, बाद में वापस लेके आ जाऊँगी, ठीक है? EJO जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है? नाउ FLR, FLR का क्या होगा भाई? F कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। L 12 नंबर पे और R 18 नंबर पे, तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 6 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है? उसी तरह G कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। फिर N कौन से नंबर पे आएगा? 14 पे। और U कौन से नंबर, R कौन से नंबर पे आएगा, सॉरी U कौन से नंबर पे आएगा? 21 नंबर पे। तो ये कौन सी टेबल चल रही है? 7 की टेबल चल रही है, क्लियर? उसी तरह देखो सी कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। और एफ कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। और जे कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। तो ये किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होते, है ना? 3, अगर यहाँ 2 होता ना तो ये 2 की नंबर से होता, बट यहाँ 3 आया है ना, दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आया समझ में? अब बताओ किसी को डाउट है तो। छवि गुड मॉर्निंग, आया समझ में? आप मिश्रा जी आ गया, गुड। चले आगे, इसका आंसर भी दिख गया। इसका आंसर बताओ मुझे। आई नो दिख तो गया होगा, है ना? बट फिर भी अब मेरे को ये बताओ ये कैसे आएगा? अगर आएगा तो कैसे आएगा? चलो नहीं दिखा, ठीक है, तो बताओ आंसर। स्नूबर NH, आस्था NH, नहीं देखा फिर भी आंसर पता चल गया, वाह। CNH दिख गया ना, आई नो। चलो कोई नहीं, कैसे आएगा ये बता दो। हाँ सी होगा, सी 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 दिख गया था मुझे, पता है, आई नो। कैसे आएगा ये बता। NH देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हब आस्था जुटे। चलो आंसर बताऊं कैसे आया, चैट्स ऑफ कर दूं फिर समझाती हूँ, ठीक है? देखने के बाद गुड, अब बताती हूँ। देखो मैं किसी की चैट्स नहीं देखूंगी, अब मैं सीधा समझाऊंगी, ठीक है ना? फिर आपका क्वेश्चन होगा वो बताना। एफ कौन से नंबर पे आता है? एफ आता है 6 नंबर पे। और 3 सी कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। जब आप 3 को और 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2। उसी तरह जे कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। और ई 5 नंबर पे, तो 5 × 2 = 10। फिर आता है NH की बारी, ठीक है? NHN आता है 14 नंबर पे।
उसको अगर आप डिवाइड करो तो एच एम नंबर आता है 8 पे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है ना? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पीएच क्या है, पी 16 पे और एच 8 पे, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये भी, है ना? इसीलिए एन एच आएगा, बिकॉज जो 18, 8 और 14 है वो क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर देन हो जाएगा। दैट्स वाई सी ऑप्शन आएगा। अब किसी को नहीं आया तो बताओ। हाँ जी, समझ आ गया। हाँ जी कोमल, राइट। निशा, कहाँ कहाँ से लाते हो तुम लोग लॉजिक, गजब हो। इसका बताओ, स्पाइडर, लिजार्ड, माउस, स्पैरो, बताओ। स्पाइडर, लिजार्ड, माउस, स्पैरो। अच्छे से आराम से आंसर दो। अच्छा, स्नोबर, स्पाइडर, ठीक है। माधुरी, स्पैरो कैसे होगा भाई, चिड़िया कैसे होगी ये, माउस ये कौन है? अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद में करंट अफेयर्स की क्लास है। ओके। अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुमको खुद को समझ में नहीं आ रहा। बर्ड है निशा, इसमें थोड़ा और लगाओ तो। तिया, स्पाइडर, गुड। क्यों है, स्पैरो कैसे होगा भूमिका? नाउ देखो, टेल, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। चिड़िया घोंसले में होती है ना बच्चा, आकांक्षा। देखो भाई, इसका आंसर होगा स्पाइडर। लॉजिक देखना, ओके। और कोई लॉजिक है? अभी मैं एक लॉजिक बताऊंगी ना, ओके शिवांगी, मैं बताती हूँ। अब मैं अगर एक लॉजिक बताऊंगी ना तो आप लोग हंसोगे, ठीक है? जैसे स्नोबर ने बताया कि स्पाइडर के बहुत सारे लेग होते हैं, है ना? मान लो स्पाइडर के बहुत सारे लेग होते हैं, ठीक है। बट इसमें जो और होगा ना, तो देखो, लिजार्ड की पूंछ होती है, टेल किसको कहते हैं, लिजार्ड की टेल होती है, माउस की भी टेल होती है ना? स्पैरो की भी टेल होती है, स्पाइडर की टेल कहाँ होती है? अरे अरे तिया, इतना कोई दिमाग नहीं लगाएगा, सिंपल। देखो, स्पाइडर की पूंछ नहीं होती, बाकी तीनों की पूंछ होती है ना? और पूंछ का मतलब क्या है, टेल, समझे? नाउ क्लियर, समझ में आ गया स्पाइडर क्यों होगा। हाँ जी, हाँ शिवानी, स्पैरो की टेल होती है, देखी नहीं उसकी जो किसको क्या कहते हैं उसको, होती है ना? देखो मैं आपको फोटो बताऊंगी, ठीक है, और उसमें से सर्कल करके भी बताऊंगी कि उसकी टेल है, ठीक है। बट हाँ, स्नोबर, तुम्हारा रीजन भी अच्छा था कि उसके लेग्स बहुत सारे होते हैं और इनके दो दो लाइक ही होते हैं ना, माउस के 4 लेग होते हैं, स्पैरो की टेल होती है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, नेक्स्ट चले। हाँ जी बताओ। और क्यों, क्यों,
नहीं भाई, नहीं भाई, रोल नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी, सन। ठीक है, क्यों होगा वो बताती हूँ। अब देखो, वेस्पर, मुरमुर और रोर, ये सब क्या है, एक मैनर ऑफ स्पीकिंग में आ जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, रोर, मुरमुर और जो विस्पर है वो एक मैनर में आ जाता है। ठीक है, बट जो साइन है, क्या है, जो साइन है ना, साइन को अपन जो साउंड करेंगे वो सैडनेस या रिलीफ के अंदर आ जाता है ना। इसका जो साउंड है वो किस में आएगा, रिलीफ में, या फिर ना। शिवानी, रोर इज नॉट राइट, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बिकॉज ये मैनर जो जो ये चीज है ना, ठीक है, ये जो तीनों हुआ ना, ये सब क्या है, एक अपन जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छी मैनर्स होते हैं जिसके अंदर, तो ये उस मैनर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और साइन जो है वो सैडनेस और रिलीफ का साउंड देता है। ठीक है, क्लियर वन, आगे चलूं। नेक्स्ट वन बताओ। 17, 27, 57, 97। अरे भाई, मैनर क्या बोल रही मैं, रोर का साउंड जो होता है ना वो डीप साउंड होता है, ठहक, जिसको अपन बोलते हैं ठहक के लगाना, है ना, जब अपन ठहक के लगा के हंसते ना, तो वो वाला रोर कह रही हूँ मैं, समझे। जैसे अपन जोर जोर से चिल्लाते हैं, देखो मैं समझाती हूँ वापस, रुको रुको गाइस, रुको रुको। रोर का मतलब क्या है, जोर से चिल्लाना। ठीक है, और वहीं पे अपना वो साउंड क्या कह रहा था, साइन का, कि वो अपन को क्या देता है, रिलीफ देता है ना। वैसे ही मुरमुर का किसी को पता है, कोई आइडिया है, जैसे अपन बड़बड़ाते हैं ना, कोई भी चीज़ को अपन बड़बड़ाएंगे। अब अपन मम्मी पे गुस्सा, मम्मी अपने पे गुस्सा होती है बिना बात पे, तो आप लोग क्या करते हो, जोर जोर से बड़बड़ाते हो, है ना, मम्मा मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, यूं क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, तो वो भी क्या है, अशांति होती है ना, तो वो साउंड भी कौन सा है, मैनर वाला साउंड है, नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम तो यहाँ पे बातें करने में लगे हो। अरे बाबा शिवानी, साइन एक साउंड है, मैं वही बोल रही हूँ, बट साइन जो है वो कौन सा साउंड है जिससे अपन को रिलीफ मिलता है ना, उससे अपन को रिलीफ मिलता है, समझे। आगे समझ में, अब आगे चले। डन डना डन डन, क्या चल रहा है ये, अब इसका 17 कैसे आएगा भाई, सब 17 बोल रहे हो, हाउ 17 क्यों होगा, अभी मैं लॉजिक लगाऊंगी फिर आप लोग हंसोगे। वैष्णवी, गुड मॉर्निंग, नहीं है 17 आंसर इसका, 17 क्यों होगा, वापस बता दो, किसने मना किया है।
मैंने वो उसमें समझाने में लग गई। स्नोबर 97, माधुरी भी 97, मोनिका 97। क्यों? देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 27। 27 क्यों होगा, 27 प्राइम नंबर नहीं है। 17, 57 और 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है। बट 27 किसी की टेबल में आता है ना? हाँ जी कोमल, 27 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है ना। वहीं पे आप देखो 17, 57। जनता तुम्हारे साथ आ गई, ठीक है। हाँ तिया, 27 9 और 3 की टेबल में आता है। बट 17, 57 और 97 किसी की टेबल में नहीं आता है, वो खुद की ही टेबल में आता है। तो आ गया समझ में अब? क्या 33 के कौन आता है 33 की टेबल में? ओके कोमल, अरे तो 57 कौन सी टेबल में आएगा ये बताओ, कौन सी टेबल में आते है? चलो बताओ। थ्री की टेबल में आता है, आते हैं। मेरा जो आंसर था वो क्या था कि उसमें बोला 17, 57 और 97 इज़ द प्राइम नंबर बट 27 इज़ नॉट। थ्री की टेबल में 57 आता है। ओके ओके ओके, आता है, ठीक है। इसका आंसर 27 ही बता रहा है मेरे को। क्वेश्चन रॉन्ग है, एक्स्ट्रा मार्क्स ले लो, ठीक है। लास्ट में बताना किसको कितने मार्क्स मिले, और झूठ वूठ मत बोलना, ठीक है। एक क्वेश्चन सबका बोनस में। नेक्स्ट, मिस करेक्टिव का क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सही है बट वो सारे ही ऑड नंबर, प्राइम नंबर है। हाँ 17 करेक्ट होगा। हाँ मोनिका, नाइन इंटू थ्री कौन सा बता रहे हो इसका एज? ऑप्शन ए करेक्ट है, आर यू श्योर? श्योर हो? हाँ भाई, इसका आंसर डी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो 10 आता है, 10 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, है ना, तो 25 आएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा, ठीक है, अब दिख रहा है भाई। 5 को जब आप करोगे ना, मल्टीप्लाई करो किसी से भी, तो वो ये आंसर आएगा, है ना। आगे चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ जी निशा, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो और खुश हो जाओ सर कि मैम लास्ट क्वेश्चन लेके आ गई। ओके सेकंड, आर यू श्योर? अब तो ये आ गए होंगे, लो देख लो, 10 सेकंड देती हूँ आपको। ओके क्लियर वन, देख लिया क्वेश्चन ना, मैं बता दूं? ओके देखो,
अरे रे रे, तुम लोग कैसे हो? मतलब आखिर तुम लोगों की वहीं भी रहती है ना? चलो, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? दिया गुड। क्यों होगा? देखो, जैसे अपन करते ना, ए फर्स्ट नंबर पे आएगा तो Z26 पे आएगा, है ना? तो वैसे ही क्वेश्चन है कि वी कौन से नंबर पे आता है? 22 नंबर पे, ठीक है? अच्छा, आंसर देख तो ऐसा। सही है बेटा, गुड। ओके उर्मिला, एक्चुअली क्या है ना, ये जो कुछ कुछ बच्चे हैं ना, उनका आंसर्स भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना। ओके आंसर बता दो आप लोगों के कितने सही है, और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूँ। ओके प्रज्ञा, कोई बात नहीं, आज तो अच्छा है ना। नहीं देखा तुमने, ऐसे ही आंसर दे दिया, गुड। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं वापस समझा दूंगी। समझा दूं? ठीक है, देखो वी कौन से नंबर पे आता है? अरे भाई निशा, काउंट नहीं किया, बट मैंने आप लोगों से पहले ही क्या बोला था, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अपनी रफ नोटबुक में क्या करो, सबसे पहले ABCD लिख दो। शुक्रिया उर्मिला, ठीक है? और चलो देखो, मैं चैट्स ऑफ करती हूँ। इति आपको समझ में आ गया, दूसरों को नहीं आया, मैं समझाती हूँ। देखो चैट्स ऑफ करती हूँ ताकि सबको सब कुछ दिख जाए। वी वाला देखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? वी कौन से नंबर पे आता है? 22 पे। ओके, फिर एन नंबर पे आता है 14। 14 नंबर पे क्या आएगा? एन। और जी आता है 7 नंबर पे, ठीक है? तो जब आप 22 में से -14 करो, अब क्या करना है आपको? माइनस करना है, ठीक है? तो 22 में से -14 करोगे तो 7 आएगा, और 7 में से करोगे तो 14 में से 7 माइनस करो तो 1 बचता है पीछे, ठीक है? उसी तरह 22 में से -14 माइनस क्या करोगे? 7, है ना? तो क्या बचता है? 1। वैसे ही PJD में देखो, P 16 आता है P पे, ठीक है? फिर आता है 10, फिर 4, D पे 4 आता है, तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। वैसे ही X कौन से नंबर पे आता है? 24 पे। माइनस करो V 22 पे, फिर माइनस करो 1, है ना? तो कितना बचेगा? 1 आंसर आएगा। M कौन से नंबर पे आता है? 13 पे। माइनस करो G कौन से नंबर पे आता है? 7 पे। और E कौन से नंबर पे आता है? 5 पे। जब इन सबको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। तो अलग कौन सा दिखा? 2 वाला, तो ऑप्शन आ जाएगा B, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब किसको समझ में नहीं आया ये चीज़ बताओ। हाँ प्रज्ञा, अब CA की क्लास है। शुक्रिया मुस्कान, अब आया समझ में? मज़ा आया आज की क्लास में? अब बताओ किसके कितने सही थे। 15 में से एक नंबर बोनस ले लो, और उस बोनस को मिला के आप लोग बताओ आंसर किसका सही था, किसके कितने आंसर्स थे, बताओ जल्दी जल्दी। फिर सेशन को ऑफ करते हैं। कोमल मजा आया? ओके अरे दो से ज्यादा गलत नहीं हुए, कोई बात नहीं स्नूभर, कोई बात नहीं वैष्णवी। वापस क्वेश्चंस देखना और फिर मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है? अरे वाह कोमल, वाह स्नूभर वाह, कोई बात नहीं। चलो अब आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है, आप लोग ज्वाइन हो जाओ उसमें, ठीक है? सी यू ऑल, बाय। ओके ओके इट्स ओके।